तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ये हुड बनके तैयार हो गया है ठीक है यहाँ पे फ्रंट पार्ट और ये एक साइड से मैंने यहाँ पे ये जोड़ लिया मैं आपको दिखाती हूँ हुड बना लिया और और देखो एक ये एक साइड से मैंने ये जोड़ लिया फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट अब देखो आप ये कहोगे मैंने ये लेवल में क्यों नहीं बनाया क्योंकि भैया मेरे पास ऊन कम पड़ गई थी ठीक है तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ बना लिया और ये पीछे का पार्ट जब मैं बनाने बैठी तो यहाँ पे मेरी ऊन ये ब्लू कलर की खत्म हो गई तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं फिर वाइट से ही पूरा बनाया अदरवाइज अगर मेरे पास ये वाली वूल और होती तो मैं हुड जो है ना इसी कलर का बनाती तो बहुत प्यारा लगता लेकिन मेरे पास ऊन नहीं थी इसके दो गोले थे बस और इसके भी दो गोले थे तो वो पूरे लगा दिए मैंने इसमें तो दो दो गोले सौ सौ ग्राम के गोले होते यानी कि चार सौ ग्राम ऊन जो है स्वेटर में लग गई है अब देखो यहाँ पे ये मैंने ज्वाइंट कर दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक अब देखो स्लीव्स जो मैंने बनाई थी ठीक है यहाँ पे देखो ये वाली स्लीव्स एक रह गई है सारा कुछ एक एक पीस रह गया है जो कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है ये देखो ये एक बाजू मैंने यहाँ पे ये दूसरे साइड की ज्वाइंट करना रह गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड ये देखिए ये भी ज्वाइंट करना रह गया है क्योंकि कर तो मैं लेती लेकिन वही चीज़ है ना आपको भी तो दिखाना ही रहता है ना कि किस तरह से ये करना पड़ता है ये देखिए ये भी ज्वाइंट करूंगी और इसमें मैं बाजू भी ज्वाइंट करूंगी तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ठीक है इस यहाँ पे एक स्वेटर बना रही थी यहाँ पे ये चार पाँच साल के पाँच छह साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा एक कार्डिगन है फ्रंट ओपन जैकेट कह सकते हैं आप इसको तो इसमें मैं नेक बनाने जा रही थी हुडी वाला तो हुड वाला जो नेक होता है इसमें कैप अटैच होती है वो वाला तो ये जो नेक कटिंग है वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ अभी हम यहाँ पे एक एक करके हुड वाले नेक के फंदे उठाएंगे अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो चार फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हैं ना सलाई पे ये वाले हमें ले लेने होंगे इसके अंदर ये देखिए इस तरह से इसके बाद हमें फंदे उठाने होंगे देखिए किस तरह से उठाएंगे तो इस तरह से मैं वाइट कलर से ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना ये ब्लू कलर की फूल जो मैंने लगाई है ना वो खत्म हो गई है तो कलर ही मैं यूज करने वाली हूँ इस तरह से देखेंगे मैं पता है कोई काउंटिंग के ध्यान रखिएगा आप लोग फिर कमेंट कर, करते हैं कि आपने कितने फंदे उठाए इतने साल के बच्चे के गले में कितने फंदे उठाए ऐसा कुछ नहीं करना होता है मैं सिर्फ अंदाजे से फंदे उठाती हूँ ठीक है इसको थोड़ा मैं और नजदीक कर लेती हूँ मैं उठाती हूँ अंदाजे से फंदे जिससे कि ज़्यादा लूज भी ना रहे कॉलर या गला और ज़्यादा टाइट भी ना हो तो देखिए जस्ट बगल बगल में यहाँ पर देखिए इस जगह पर मैं ये फंदा बनाऊँगी जितने बस इतना ध्यान रखना होता है यहां से यहां तक जितने भी फंदे आए उतने ही फंदे हमें इस साइड यहां से यहां तक लेने होंगे देखिए वन फिर जस्ट बगल से उठाएंगे जस्ट ऐसे ही पास पास फंदे उठाते जाएंगे अब देखो ये जॉइंट पे आ गए हम। यहां पे हमने ये फंदे जॉइंट किए थे तो अब बस एक फंदा और हमारा यहाँ से उठेगा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यस दे दे। ये देखिए अब देखेंगे कितने फंदे आए चार फंदे हमारे यहाँ पे पहले से थे दो चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह टोटल मानेंगे हम चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से फ्रंट साइड से शोल्डर तक उन्नीस फंदे आए तो अब देखिए बैक साइड के हम अलग काउंटिंग करेंगे लेकिन यहाँ जो सेकंड शोल्डर हमने ज्वाइंट किया है यहां से लेके यहाँ फ्रंट तक हमें उन्नीस फंदे लेने हैं ठीक है पंद्रह यहां तक और ये चार तो ऑलरेडी है यहां पे. तो अब देखिए ये हमारे पास इतने हो गए अब हम यहाँ से बैक साइड से उठाते हुए आएंगे एक फंदा हम हटा देते हैं ये टोटल अठारह हो गए ठीक है ये हमने जबरदस्ती लिया था अब देखिए यहां से अब हम एक ये काउंट करेंगे देखिए वन या मैं एक काम कर देती हूं यहां पे मैं डाल देती हूं एक मार्कर जिससे कि समझ में आएगा अलग अलग पार्ट हो जाएंगे इसके अब देखिए यहां से लेके यहां तक हम फंदे उठाएंगे देखो वन टू तो मैं उठा लेती हूं पहले फिर दिखाती हूं आपको देखो फाइव सिक्स अब देखिए हम इधर आ गए लास्ट में तो ये हमारे पास ज्वाइंट पे आ गए सीधे ट्वेंटी तो हमने यहां पे बीस फंदे उठा लिए ठीक है देखिएगा दो चार दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह और ये बीस अब टोटल अठारह फंदे हमें यहां से यहां तक लेने जिसमें से चार तो ये है ही चौदह फंदे यहाँ से लेने देखिएगा यहां से काउंट करेंगे वन टू अब देखिए हमारे पास चौदह फंदे हो गए यहां से लेके यहां तक अब ये सिलाई वाले ये जो पिन वाले फंदे इसको भी मैं इधर ही ले लूंगी ये देखिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फंदे जो हैं भर के कर लिए कंप्लीट ठीक है मेरे पास यहाँ पे टोटल छप्पन फंदे आ गए हैं अब देखिए बनाना कैसे है देखिए पूरे नेक पे यहाँ पे पूरे 56 फंदे हमने ले लिए अब देखिए यहाँ पे पहले तो मुझे वॉर्डर का ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे हमें बनाना है हुड ठीक है हुड बनाना है तो ये जो फ्रंट साइड को हम फ्रंट साइड रखेंगे ठीक है मैंने जो लास्ट वीडियो में आपके साथ कॉलर बनाना शेयर किया था फंदे तो उतने ही हैं इसमें सेम सेम चलेगा उतने ही फंदे भर के और लेकिन बस क्या होगा कि इधर से हम उल्टी साइड से सीधा रखेंगे कॉलर में और इस हुड में हम फ्रंट साइड से ही सीधा रखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा ही हम फ्रंट साइड है तो पहला फंदा हमने इस तरह से सीधा बनाया धागा अपनी तरफ करके चार फंदे तो हम बॉर्डर के बनाएंगे ठीक है इस तरह से ये लीजिए चार फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए अब हम जस्ट सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे जब तक कि हमें सेंटर सेंटर ना आ जाए ठीक है सेंटर तक आधे फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे ये देखिए फिफ्टी सिक्स के हाफ मैंने बना लिए यहाँ पे ये देखिए ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट मैंने ट्वेंटी एट हमारे इस साइड रह गए अब करना क्या है देखिए सेंटर पे जस्ट यहाँ बीच में आके हमें एक एक फंदा हर सीधी सिलाई पे बढ़ाते हुए जाना है तो अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके एक फंदा ये तिरछा था फंदा ठीक है तो इस तरह से ऐसे ये देखिए ये देखे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया क्योंकि इसमें हम हुड बना रहे हैं ना तो पीछे की साइड एक एक फंदा हमें बढ़ाते हुए जाना है ये देखिए अब बाकी के सभी फंदों को हम ऐसे ही बना लेंगे सीधी साइड से बढ़ाना है इसी जगह पे ध्यान रखिएगा और वैसे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है तो इसमें फैदर की भूल है तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा वेलवेट भूल में इस तरह से और अगर जैसे बच्चे का सिर ज्यादा चौड़ा है तो आप दो फंदे भी बढ़ा सकते हैं अब देखिए चार फंदे बॉर्डर के आ गए तो धागा अपनी तरफ करके इसे उल्टा बनाएंगे सीधा उल्टा, सीधा ठीक है अब उल्टी साइड आ जाएंगे सभी फंदों को पट्टी के फंदों को तो बस पट्टी की तरह ही बनाएंगे देखिए पहला फंदा सीधा उल्टा स्लिप करके नेक्स्ट सीधा फिर एक उल्टा सीधा अब बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे जो फंदा बढ़ाया था उसे भी हम उल्टा ही बनाएंगे पट्टी के फंदे हैं जो बटर पट्टी के उसे हम एक उल्टा एक सीधा बना के कंप्लीट करेंगे तो देखिए ये लाइन हमने पूरी उल्टी बनाई अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए तो मैं एक बार और आपको दिखाऊंगी ये फंदा बढ़ा के उसके बाद फिर आपको ऐसे ही बनाते हुए जाना है जब तक कि आपकी जो लेंथ है डिजायर लेंथ वो कंप्लीट नहीं होती है ठीक है तो देखिए जस्ट हम सेंटर पे आएंगे जितने भी हमारे पास फंदे हैं अब देखिए जस्ट मैंने इधर अट्ठाईस और अट्ठाईस का जो फंदा है ये हमने बढ़ाया हुआ फंदा था ठीक है तो इसी पे हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे इस तरह से और देखिए यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे कि हमने फंदा कहाँ बढ़ाया है क्योंकि हमें हर बार काउंटिंग करना पड़ेगा इससे तो ये देखिए ये वाला फंदा जो है हमने बढ़ाया है ये हमने मार्क लगा लेंगे ठीक है इसके बाद जैसे हमें हर बार ये फंदे बढ़ाए हैं तो यहीं पे हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है सीधी सिलाई पे तो जब तक आपके बच्चे की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको ऐसे ही करते हुए जाना है तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये मेरा जो हुड का लेंथ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर देखो इतना लंबा मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है और मैं बताती हूँ इसको नाप के आपको कितना इंच बनाया है यार मेरा इंची टेप को इग्नोर कीजिएगा टूट गया है ये देखिए दस इंच मैंने बना लिया ठीक है अब क्या करना है अब हमें इन फंदों को करना है हाफ हाफ ठीक है और इनको रॉन्ग साइड से हमें इसको बंद कर देना है देखिए इस तरह से ये रॉन्ग साइड हमारी ऊपर रहेगी फंदों को आधा आधा देखिए हम दोनों साइड से हमारे पास ये वाली निदिल है तो देखिए जस्ट यहाँ पे हाफ आ रहे हैं जितने भी फंदे हैं आपके पास उतने फंदे आप आधे आधे कर लीजिए ठीक है इस तरह से ये देखिए अब इन दोनों को आपने बंद कर देना है कई बार बताया है बंद करना अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको मैं बंद करना नहीं बता रही हूँ फिर से देखिए बता देती हूँ ऐसे देखिए एक फंदा हम इधर से ले लेंगे मैं थोड़ा इसको ना नजदीक कर लेती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियरली आ सके समझ में ये देखिए एक फंदा हम ये वाला लेंगे अरे यार ब्लर हो रहा है यस देखो एक फंदा हमने ये लिया इस तरह से दूसरा फंदा देखो हमें ये लेना है चलिए इसको इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे लेना है ठीक है इस पे से ये उतर गया उतारना नहीं है यहाँ से ये दोनों लेने हैं एक साथ अब देखो इस तरह से ये देखो अब इन दोनों को गिरा देंगे फंदों को टाइट नहीं करना ज्यादा नहीं तो धागा टूट जाएगा क्योंकि ये जो फैदर की भूल और ये वेलवेट बूल होती है ना इसके अंदर धागा बहुत कमज़ोर होता है ये देखिए ये देखो इस तरह से घीघे रहेंगे अब ये जो फंदा है इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे बहुत संभाल के खींचेगा धागा टूट जाता है बहुत कमज़ोर होता है ये वन टू और देखिए एक टिप और देती हूँ मैं आपको बोनस टिप कि इसको ना जब भी वॉश करें तो वॉशिंग मशीन में कभी भी नहीं डालें इसको क्या आप किसी भी वूलन कपड़े को ना हैंडनेटेड को वॉशिंग मशीन में कभी नहीं दें क्योंकि आजकल ना इतना आलस रहता है ना सभी को कि हर कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालते हैं ये हमें पता है कि आज के टाइम में आ, सभी के जो वॉशिंग मशीन होती हैं इनमें जो वूल का ऑप्शन अलग आता है लेकिन फिर भी वो आपस में जब रगड़ते हैं ना तो उस पर ज्यादातर रोए जो है ना वो वॉशिंग मशीन में धुलने की वजह से आ जाते हैं और प्लस इनके धागे निकल जाते हैं जो हम गांठ लगाते हैं आपस में वूल को जोड़ने की देखिए इस तरह से तो ये भी खुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में रगड़ जब तो एक दो बार धो लेंगे ना आप तो उसमें ये खुल जाएंगे फंदे निकल जाते हैं टूट जाते हैं काफी नुकसान होते हैं जो कि आपको वॉशिंग मशीन में नहीं करना चाहिए ठीक है और इसको तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा जस्ट ईजी वॉश में इसको आप कलाइएगा और गला के मतलब भिगो दीजिएगा थोड़ी देर के लिए पंद्रह मिनट बीस मिनट के लिए और इसको निकाल के डाल दीजिएगा बाहर कभी भी कपड़े को निचोड़ना नहीं चाहिए वैसे मैं इसका टिप जो है ना अलग से लेकर आऊँगी पूरा वीडियो लेकर आऊँगी इसका जो वूलन के कपड़ों के रख रखाव हम किस तरह से कर सकते हैं तो ये देखिएगा इस तरह से ये ना इतना लूज तो रहना चाहिए ये देखिए लास्ट में आ गए बिल्कुल ये देखिए ठीक है इस तरह से हमारा जो स्वेटर का होड है ना वन के कम्प्लीट हो जाता है अभी मैं ज्यादा टाइट नहीं करूंगी इसको और मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दिया मैंने जो गांठ थी क्योंकि इसमें अगर मैं इसे टाइट कर दूंगी धागा कट कर दूंगी तो ये अगर मैं जैसे इसे खोलना चाहूंगी तो ये खुलेगा नहीं ठीक है और भी मैं खोलना क्यों चाहूंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी मैं इसकी पहले तो बच्चे की फिटिंग देखूंगी आप भी ऐसा ही कीजिएगा गार्ड लगाने से पहले यहाँ एक कोई भी मार्क लगा दीजिएगा धागा डाल दीजिएगा कुछ भी बच्चे की फिटिंग भी देखना पड़ेगा ना ये कहीं बच्चे को छोटा ना हो बड़ा ना हो तो वो फिर हम सेट कर सकते हैं वैसे ये नहीं होगा लेकिन मैं जस्ट आपको एक तरीका बताना चाहती हूँ कि आपको करना क्या है ठीक है तो इस तरह से देखिए बहुत सुंदर सा हुड जो है बन जाता है ये देखिएगा यहाँ पे अब आप इसमें क्या कहते हैं चेन लगा सकते हैं और ये भी निकाल देती हूँ मैं इसको है ना चेन लगा सकते हैं आप इसमें और आप चाहे तो बटन होल बटन भी लगा सकते हैं मैं अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने आपको ना इसमें बटन होल बनाना नहीं बताया है बताऊ क्यों क्योंकि ये देखिए इतना गैप होता है इस वुल में ये देखिए कि इसमें आराम से कोई भी बटन जहां फिट करना चाहोगे वहां हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने बटन होल नहीं बताया अब ये आप हुड देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छा बन के आया है अभी मैं और दिखाती हूँ आपको अच्छे से ये देख लो फुल ऑन डिटेल ये तो मैंने स्लीप्स लगा ही दी है इसका जो फुल वीडियो आएगा ना उसमें आपको सारा कुछ दिखाएंगे हम ये देखिए आप फ्रंट पार्ट है और ये है हमारा सुंदर सा और प्यारा सा हुड बच्चे को मजा ही आ जाना है स्वेटर में सच में ये देखिएगा इस तरह से ये हुड बन जाता है ये देखिएगा कितना खूबसूरत बनाया कितने अच्छे से इस तरह से ये फिटिंग आई है ये ये देखिएगा हुड की देखिएगा बहुत प्यारी फिटिंग आई है तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और समझ में आया हो इस तरह से आप बटन टक कर दीजिएगा यहाँ पे तो इसका फाइनल लुक जो है मैं अपने बच्चों को पहना के आपको दिखा दूंगी लास्ट में जो है क्लिप ऐड कर दूंगी या वीडियो के स्टार्टिंग में कलप, क्लिप सॉरी क्लिप ऐड कर दूंगी है ना तो वो आप देख लीजिएगा इसका फाइनल लुक क्योंकि अभी इतना बड़ा ना पॉसिबल नहीं होता है देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से हम कर लेंगे और मैं बैक साइड से भी दिखा देती हूँ देखिए ये वाला लुक आ रहा है बैक साइड से इस तरह से बहुत खूबसूरत सा ये देखिएगा तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ इतना तो आप लोगों से कि आप लोग इसको बना भी पाएंगे तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और उसके साथ साथ आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और समझ में आई या नहीं और मुझसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग इंस्टा आईडी जो है मेरी नीचे है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दे रखा है उसमें मैं काफ़ी लोगों से बात करती हूँ आप इस जो भी मैं आप प्रोजेक्ट बनाती हूँ आप अगर उसको ट्राई करते हो तो मुझे शेयर कर सकते हो मेरे साथ आप उसको शेयर करिएगा तो मैं देखूँगी तो और दूसरी चीज़ मैं अपनी कम्यूनिटी पर आपका फोटो भी लगा सकती हूँ जो आप मुझे शेयर करेंगे तो शेयर कीजिएगा सभी के साथ और वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं मोटिवेशन मिलती है लाइक करने से चैनल पर पहली बार आए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू बाय बाय वेलकम टू माय चैनल इजी इन क्लासेस तो देखिए फ्रेंड्स एक ये हुड वाला जो टोपी होती है वो लेकर आई हूँ आप जैकेट में स्वेटर में कार्डिगन में किस तरह से आप बच्चे के बड़ों के बना सकते हैं हुड तो वीडियो में मैंने पूरा आगे स्टेप बाई स्टेप बताया है कि आप किसी भी कार्डिकन में हुड किस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे मैं वेलवेट वाली जो ब्लैंकी वूल आती है ब्लैंक ब्लैंकेट वाली उसका मैं यूज कर रही हूँ बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम होती है ये तो वूल तो मैंने शायद ओसवाल वर्धमान की या ओसवाल की लिए मुझे याद नहीं दोनों एक जैसी हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है सलाइया जो है इसमें मैंने ये वाली यूज की है मैं आपको बता देती हूँ एक बार नंबर आप कोई भी लीजिए ये देखिए सिक्स एम एम ठीक है छ एमएम का मैंने इसमें नंबर सलाइयां ली हुई हैं तो आगे वीडियो में सारा बताया वीडियो स्किप मत कीजिएगा आपके क्वेश्चंस जो होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में सबके जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे जो भी मैं वीडियो बताती हूँ अगर आप उसको फुल देखेंगे तो फुल नहीं देखेंगे स्किप कर देंगे फिर आप कमेंट करते रहेंगे और मे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं दिन में तो मैं भी उनका रिप्लाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं रिप्लाई करूँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक कॉमेंट को रिप्लाई कर पाना है ठीक है तो चलिए फिर इसको देखते हैं और मेक श्योर sure आप वीडियो में जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं ना तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं और हाँ भाई इसका साइज जो है मैंने छः पाँच छः साल के बच्चे का बनाया है आराम से ये पाँच छः साल के बच्चे को आ जाएगा